आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका वैसे चैनल को बेल आइकन को भी क्लिक करें हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। आज हम बनाएंगे जीरा आलू। जीरा आलू खाने बहुत ही टेस्टी लगते हैं, इसे खाकर मज़ा आ जाए। जीरा आलू बनाने के लिए मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, 5 से 6 आलू ले लेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, कद्दूकस किया हुआ अदरक, हरी मिर्च और नींबू लिया है। तो आइए जीरा आलू बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन कर लेंगे और कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल डालकर गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हम जीरा ऐड करेंगे। जीरे को भून लेंगे। हम कद्दूकस किया हुआ अदरक ऐड करेंगे। अदरक को भी थोड़ा सा पकवा लेंगे। अब इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी, हरी मिर्च। फ्लेम को हम लो कर देंगे। लो फ्लेम पर मसालों को ऐसे थोड़ी देर पका लेंगे। अब इसमें हम आलू ऐड करेंगे। आलू को मैंने ऐसे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब इसमें हम नींबू का रस ऐड करेंगे। इसको हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं। लेकिन हम आलू को अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले के साथ। हमने आलू को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। फ्लेम को हम लो रखेंगे। लो फ्लेम पर हम आलू को ढककर 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। सब्जी को हम बीच में एक बार चला लेंगे। देखिए हमारा जीरा आलू बनकर तैयार है। एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। वाह, हमारा जीरा आलू बनकर तैयार है। गैस को बंद कर देंगे। हमारे बहुत ही टेस्टी जीरा आलू बनकर तैयार है। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका वैसे चैनल को बेल आइकन को भी क्लिक करें हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के।